ओके तो देन गेट अप हो जाओ, गेट अप गेट अप। आद्या हाउ आर यू आद्या? हाँ मैं सूट चाटूंगी। बारात से बाहर हो गया है, एक दो दिन की बात हो तो बात हो, रोज कंटिन्यू हो रहा है तो सभी लोग बोल रहे हैं कि मैंने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रन खटोला ब्लॉग में। क्या बजा रहे हैं यार खटखट? कॉफी बना रहे हैं। तो गाइस हम उठ गए हैं और अभी अभी किचन में बना रहे हैं। ये देखिए आप लोगों को ना बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ कि मैं किचन में क्या बना रही हूँ और क्यों बना रही हूँ। तो देखिए गाइस सुबह सुबह 7 बजे मैं बना रही हूँ पकौड़ी, और इतना ही पकौड़ी बना रहे हैं। क्यों इतना कम पकौड़ी बना रहे हैं? क्योंकि आद्या को ये लंच बॉक्स में मैं दूंगी। गाइस आद्या ना 2 दिन से मुझसे बोल रही है मामा मुझे ना पकौड़ी और चटनी दे देना, मतलब लंच बॉक्स में, और मैं कल भूल गई थी उसको देना। तो मुझे गाड़ी में पूछ रही थी मम्मा आपने मुझे लंच बॉक्स में क्या दिया है, तो मैं बोली कि बेटा सॉरी मैं पकौड़ी भूल गई। तो मुझसे कल प्रॉमिस करवाई कि मेरे लंच बॉक्स में ना पकौड़ी दे देना और थोड़ा सा चटनी दे देना। तो जब प्रॉमिस करवाई है तो मैं उसका प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती हूँ। और गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब आद्या ने फर्स्ट टाइम बोला कि मुझे लंच बॉक्स में पकौड़ी दे चटनी दे देना। और बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि आद्या मुझसे तरह तरह की चीज़ें बोले खाने के लिए, मैं कभी भी बोले मैं अवेलेबल हूँ उसको बनाने के लिए। और मैं पहले भी कहती थी कि जब भी आद्या अगर कहती है मामा मुझे ये दे दो खाने के लिए, अगर 12 बजे रात में भी बोलेगी तो मैं उसको 12 बजे रात में भी बना सकती हूँ, बस आद्या बोले कि हमको क्या खाना है। तो गाइस ये मेरा पकौड़ी बन चुका है, इसको थोड़ा ठंडा हो जाए अगर उसके बाद उसको लंच बॉक्स में पैक कर देंगे। और ये ऑनियन का बनाए हैं क्योंकि उसको ऑनियन ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं प्याज की पकौड़ी बनाई। गेट अप माय फ्रेंड, गेट अप माय फ्रेंड, आद्या मंकी सेइंग गेट अप माय फ्रेंड, आद्या आद्या गेट अप हो जाओ, आद्या गेट अप, देखो किस दे रहा है मंकी, मंकी इज किसिंग यू, आद्या मंकी इज किसिंग यू, गेट अप माय फ्रेंड, उठ जा बेटा, रेडी होना है, स्कूल जाना है, हैव टू ब्रश एंड देन यू नीड टू गेट रेडी फॉर योर स्कूल, आपको स्कूल जाना है। ओके तो देन गेट अप हो जाओ, गेट अप गेट अप। दीदी कह रहा मंकी, दीदी बोल रहा है ना, रूट के ना बैठ जाता है अलमीरा पे, उधर चला जाता है उसके ऊपर, कह रहा है कि मैं घर छोड़ के जाऊंगा। आप रात भर ठंडे में इसको छोड़ दी थी और आपने अपने रजाई में सो रही हो, तो इसको मैं 2 चमाट मार के लाया हूँ, कह रहा था मैं घर छोड़ के जाऊंगा, मैं कहा भाग तुमको घर में ही रहना है, आद्या तुमको जाने ही नहीं देगी, कह रहा मैं घर छोड़ के जाऊंगा। दीदी दीदी आप मुंह बंद करके हंसती हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो गाइस हम लोग जा रहे हैं आद्या को स्कूल ड्रॉप करने, और इसी तरह से कार सीट पे इसको ले जाना होता है। मैं इसको लैप में अपने नहीं ले सकती हूँ बिकॉज ऑफ द यहाँ का रूल है, एकदम क्लाउडी डे हो गया है, पूरा बादल बादल सा हो गया है ऐसा ही रहता है। अभी तो ठंड स्टार्ट हुआ है, अभी तो यहाँ पे ठंड अभी के टाइम में कुछ भी नहीं पड़ रहा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। हे गाइस तो आद्या को स्कूल ड्रॉप कर दिए हैं गाइस, आज फिर से उसको वोमिट आ गई और हो ही रहा है, और मुझे डर घर से ही लगने लगता है, मैं सच्ची बताऊँ तो मैं घर से ही डर जाती हूँ, और उसका हो ही गया वोमिट। बस ये है कि उसका मेडिकल कार्ड अप्लाई कर दिया है, मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, उसको हम लोग डॉक्टर को दिखाएंगे, हम लोग उसको डॉक्टर को दिखा देंगे। हेलो माय डार्लिंग, हाउ आर यू आद्या? हाउ आर यू आद्या? हाउ आर यू आद्या? सूट चाटूंगी। हां मैं सूट चाटूंगी। चाटू ना। ओ बेटा ये क्या जुमा को सूचना चटवा।
गाइस जब भी इसको स्कूल से लेने आते हैं ना, तो ये ना मस्ती करती है, बोलती है सूज मेरा चाट, कभी मुझे बोलती है, कभी पापा को बोलती है। ठीक है, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कभी बोलने से ना थोड़ा सा कम सफोकेशन होता है। तो गाड़ी में ही अपना शूज खोल खोल के हम लोग को चटाती है, तो शूज तो खोल चुकी है, अब गाड़ी से उतर चुके हैं। ये क्या हो रहा है? नींद आ गई। आदन हमने मुंह में कार्ड लगा के आई है स्कूल से। आधा कवर योर टमी बेटा, गुड गर्ल। देखो और ऊपर चढ़ा लेती है। आधा आप टच करो ना, टच नहीं कर, खोलोगी नहीं? आधा खोलेगी, आधा खोलेगी। वेरी गुड आधा, आधा इज वेरी ब्रिलियंट गर्ल। तो जैसे इनको पैक किया था पकौड़ी, वैसे ही चार दिया था, चारों वापस ले आई हैं। और बस दो पकौड़ी इसके पापा भी खा के वर्क करने चले गए। यस मंकी वाज क्राइंग फॉर यू आद्या। आद्या व्हाट आर यू ईटिंग? मंकी को भी खाना है। ओके, ही वॉज मिसिंग यू आद्या, मंकी वॉज मिसिंग यू। तुम्हारा ड्रेस वॉश कर देंगे, दो दिन की छुट्टी हो गई। एंड लेट्स चेंज योर ड्रेस आद्या, लेट्स चेंज योर ड्रेस। ओके आई विल चेंज बेटा, आई विल चेंज। पकौड़ी खाने तो स्कूल में आप क्यों नहीं पकौड़ी खाई? मैं तो चटनी दी थी, चटनी मैम ने इसको नहीं खोल के दिया, इसलिए ये सारा वापस ले आई हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं लाऊंगी तुम्हारे लिए दूसरा टिफिन, जिसमें कि एक साथ सब दे दे। दिस इज ऑनियन बेटा। तो गाइज यहाँ पे आद्या का खाना रेडी है लंच के लिए, उसको बुला रही हूँ, आ नहीं रही है। और ये मैंने बनाया है पालक वाली खिचड़ी इसको, और ये है कर्ड, और यहाँ पे वाटर भी लेके बैठी हूँ। आद्या प्लीज कम हियर बेटा, आद्या इट्स टाइम फॉर लंच, कम हियर। ओके लेट्स गो। ओके ट्राई टू क्लाइंब बट बी केयरफुल बेटू, बी केयरफुल अदरवाइज यू विल गेट फेल डाउन। तो गाइस आद्या को ले आई थी अभी दोपहर में, खाना खा के सो गई थी, फिर उठी है तो उसको दूध पिलाए हैं, पिला के फिर उसको ले आए हैं, थोड़ा सा प्ले एरिया में प्ले करवा दिए, अब ले जा रहे हैं उसको घर, टाइम हो गया आधा घंटा उसको प्ले करवा दिए। बेटा चलो इट्स ओवर, पापा इज कॉलिंग यू। ऑलरेडी कर दिया है, पहले इसी को बोल लेने। हम लोग बैठे हुए हैं और क्योंकि हमारे घर में पोछा लग रहा है, आपको दिखाओ इन दोनों बैठ कमरे करके कैसे पोछा लग रहा है, उसी के बारे में आते हैं बात कर ली, घर साफ कर दिया है वो, घर डर्टी हो गया था। तो गाइस ये रोबोट है जो कि घर में पूरा मॉप लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, और इसको टाइम हो गया, मतलब टाइम लगता है, धीरे धीरे अपना कर रहा है, देखिए कैसे चल चल के आ रहा है, उसी के बारे में आद्या बता रही है कि घर डर्टी हो गया था और रोबोट है और ये लगा रहा है, तो लगभग वो साफ कर लिया है, देखिए पूरा फ्लोर में चमक आ गई है। और इसी से हम लोग पोछा लगवाते हैं जब भी लगाना होता है, ये उधर गया और पूरा लगा लेगा ना तो एक जगह जाके बैठ जाएगा ये रोबोट। चला जाएगा, मैं आपकी बिना जी नहीं सकती। आद्या व्हाट आर यू सेइंग?
आपके बिना जी नहीं सकती। आपके बिना किसके बिना नहीं जी सकती। तो गाइज अभी वही बता रही थी कि डिनर हमारा हो चुका है, आदया को भी करा चुकी हूँ, अब जा रहे हैं इसको मसाज करेंगे और फिर उसके बाद What are you doing, आदया? You are my lovely child. तो गाइज आदया का ना जो इसका वोमिट वाला प्रॉब्लम है उसके लिए कार्ड अप्लाई किए थे, तो वो कार्ड ना मतलब वहाँ से प्रूव हो गया बट हमारे तक आया नहीं है, और जैसे वो कार्ड आता है ना तो मैं आदया को कंसल्ट कराऊंगी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुक करके। और जैसा कि मैंने बताया है कि मतलब यहाँ का जो प्रोसेस होता है बच्चों के लिए तो मैं उसके लिए मतलब मेडिकल प्रोसेस होता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो कल मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसीलिए। और इसका वोमिट का जो प्रॉब्लम है ना गाइज मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम वो कंटिन्यू है, आज भी हुआ और इतने दिन से हम लोग बस देख रहे थे कि मतलब रुक जाए बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और जान निकल जा रही है जब इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा है तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है। एक दो दिन की बात हो तो बात हो, रोज़ कंटिन्यू हो रहा है तो सभी लोग बोल रहे हैं कि मैंने जो सोशल मीडिया का होता है यूज़ उस पर मैंने पूछा हुआ था तो लोग बोल रहे हैं कि जीपी से कंसल्ट करना चाहिए, तो लोग सजेस्ट यही कर रहे हैं, इसीलिए मैं जीपी से कंसल्ट बहुत जल्द करने वाली हूँ कि क्यों इसको हो रहा है। और गाइस मैं जितनी उपाय होता है ना, गाड़ी का विंडो ओपन कर दो, अच्छे से मतलब हवा आनी चाहिए गाड़ी में, सारा कुछ मैं करके रखती हूँ, ज़्यादा मतलब वार्म कपड़े बॉडी पे नहीं होनी चाहिए तो ये सारा कुछ मैंने कर लिया। मोशन सिकनेस बैंड का भी यूज़ किया लेकिन कोई भी किसी भी चीज़ का इस पर फ़ायदा नहीं। मेडिसिन आती है, हर चीज़ की मेडिसिन आती है तो हम ऐसे दे नहीं सकते हैं, और ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलेगी नहीं तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए डॉक्टर का, तो कंसल्ट करेंगे कि क्या है और तो ज़रूर लाभ इसको होगा। तो गाइस चलिए हम इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।